अमित साहब, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी, एक अमली क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासतौर से जो लोग यहाँ वेस्ट में रहते हैं, ये सवाल फौरन उनके सामने पैदा हो जाता है, और इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे नॉन मुस्लिम्स के साथ या गैर मुस्लिम सोसाइटी के साथ आपको एक इंटेग्रिज्म की फ़िज़ा में, एक कशीदगी की फ़िज़ा में रहना है, और चुनाचे इस तरह की आयात हमें मिलती हैं जो ये कहती हैं कि आप गैर मुस्लिम सोसाइटी में रहते हुए गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ ताल्लुक नहीं रख सकते, उनके साथ आपको एक फासले पे रहना चाहिए। तो ये एक जहन में उलझन पैदा होती है कि मगरब में जब हम आते हैं, मगरब में जब रहते हैं, तो वहाँ सबका जब पेश आता है नॉन मुस्लिम्स के साथ, गैर मुस्लिम्स के साथ, तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला हो जाते हैं कि एक तरफ कुरान हमें शायद ये कह रहा है कि हमें गैर मुस्लिम्स के साथ ताल्लुक नहीं रखना, दोस्ती नहीं करनी, उनके साथ सख्ती बरतनी है, बल्कि इससे आगे बढ़ के जिहाद करना है, उनके मुल्क पे कब्ज़ा भी कर लेना है। तो ये एक एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो इस हलचल में मुब्तला हो जाती है कि हम फिर क्या करें। अपने मज़हब को अगर ओन करते हैं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, अगर यहाँ रहने की हम तरजीह हासिल करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मज़हब को निगेट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालिएगा। ये एक बड़ी गलत फहमी है जो बदकिस्मती से सिर्फ इसलिए पैदा हो गई कि कुरान मजीद को आयात का मजमूआ समझ लिया गया है। यानी लोग आम तौर पर यह ख्याल करते हैं कि कुरान मजीद जैसे अकवाल का मजमूआ होता है, इसी तरह मुनफरद आयात हैं जिनको एक जगह जमा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। कुरान मजीद एक मरतब और मनज़म किताब है, और उसमें एक ख़ास सियाक सबात में बहुत सी बातें कही गई हैं। लोग दरमियान में से किसी आयत को उठाते हैं, उसके सियाक सबाक और कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर उससे दीन का कोई हुक्म लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। मैंने कई मरतबा इस बात को वाज़े किया है, और रात की नशस्त में भी वाज़े किया था कि कुरान मजीद किस नौइयत की किताब है। ये हर मुसलमान को कुरान मजीद को पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। कुरान इस तरह की किताब नहीं है जिस तरह की किताबों से हम वाकिफ़ हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मज़हब को बयान करना है और उस पर कोई किताब लिखी जाएगी, तो हर आदमी ये तवक्को करता है कि पहले एक तौहीद का बाब होगा, फिर उसके बाद रिसालत का बाब होगा, फिर कोई आखरत का बाब होगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दीन के अहकाम बयान किए जाएंगे। कुरान में ऐसा नहीं किया गया। कुरान मजीद एक पैगम्बर के इंतज़ार की सरगुजश्त है। ये इंतज़ार क्या चीज़ होती है? यानी अल्लाह ताला जब अपने किसी रसूल को किसी कौम की तरफ भेजता है तो उस कौम के लिए इस दुनिया में अदालत लग जाती है। तमाम पैगंबरों की दावत और उनके पैगाम का बुनियादी नुक्ता ये है कि एक दिन एक कयामत बरपा होने वाली है, और ये दुनिया ख़त्म होकर अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करने वाली है, और वहाँ हर एक को हिसाब से गुज़रना है। और दुनिया चूंकि इम्तहान के लिए बनाई गई है, इसलिए वहाँ लोगों की तकदीर का अबदी तौर पर हमेशा के लिए फैसला हो जाना है। ये वो पैगाम है या ये वो दावत है जो खुदा के पैगंबरों ने दी है। तो चूंकि लोग इसको आम तौर पर आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं होते, इसके इल्मी इसके अकली दलाइल की बुनियाद पर इसको नहीं मानते, तो अल्लाह ताला ने ये एहतमाम किया कि उसने वक्तन फ़वक्तन अपने रसूलों को भेजकर, जैसे एक साइंसदान जब एक दावा करता है तो लेबॉरेटरी में फिर आपको उसका तजर्बा करके दिखा देता है, बिल्कुल इसी तरह छोटे पैमाने पर एक कौम के लिए किसी खित्ता अर्ज़ में वो क़यामत बरपा करके दिखाई है। उसका तरीका ये रहा है कि अल्लाह का रसूल आया, उसने आकर इंतज़ार किया। इंतज़ार का मतलब यह कि वार्न कर दिया, ख़बरदार कर दिया, और लोगों को बता दिया कि मैं कोई साइल की दरख्वास्त लेकर नहीं आया, मैं वाइज भी नहीं हूँ, मैं खुदा के सफ़ीर की हैसियत से आया हूँ, और मैं तुम्हारा फ़ैसला यहीं दुनिया में करके जाऊँगा। चुनाचे जब उसके इंतज़ार के बाद एक वक्त आ गया कि उसकी कौम ने उसका इनकार कर दिया या उसकी बात को जानते बूझते मानने से इनकार करके उसको जुटलाने पर आमादा हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर से यह कहा कि आप अपनी कौम से बाहर निकल जाएं। अब इस कौम को यहीं दुनिया में सजा भी दी जाएगी, और जो लोग सही रास्ते पर आ गए हैं उनको जजा भी दी जाएगी।
तो बिल्कुल वही कयामत जो हम सब के लिए कुरान कहता है या पैगंबर कहते हैं कि बरपा होनी है, वो उस कौम के लिए दुनिया में बरपा हो गई। ये कयामत आखिरी मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बेसत के नतीजे में बरपा हुई है, ये तारीख का आखिरी वाकया है। तो कुरान मजीद इस पूरी कयामत के बरपा होने की सरगुजश्त है, यानी वो उस नौइयत की किताब नहीं है। इसमें पैगंबर खुदा की तरफ से गुफ्तगू कर रहा है, उसके सामने वो लोग हैं जिनके लिए ये कयामत बरपा होनी है, उनमें मुशरिकीन हैं अरब के, उनमें अहले किताब हैं यहूद जिनको आप कहते हैं या मसीही कहते हैं, उनमें फिर वो लोग भी सामने आ जाते हैं जो पैगंबर की बात सुनकर मानने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो भी के जो हकीकी मानी में नहीं मान रहे बल्कि अपने मफादात की बुनियाद पर बज़ाहिर मानने का इजहार कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के साथ कुरान गुफ्तगू कर रहा है, यानी उसमें बिल्कुल वही सूरत है कि जिसमें एक डायलॉग एक मुकालमा होता है, खुदा बात करता है, लोग सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं, खुदा जवाब देता है, इसके दौरान में अपने बाज़ अहकाम भी बयान करता चला जाता है, और यहाँ तक कि फिर इसी तरतीब के साथ उस कौम के फैसले का मुकाम आ जाता है, और वो फैसला जो क़यामत में हम सबको देखना है वो फिर वो कौम ज़मीन पर देखती है। और वो फैसला क्या होता है? वो फैसला ये होता है कि मुनकरीन को इसी दुनिया में सज़ा दे दी जाती है और मानने वालों के लिए सरफराजी और गलबे और इक्तदार का फैसला कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी कयामत की रुदाद है, जब तक आप इसको इस हवाले से नहीं देखेंगे उस वक्त तक कुरान मजीद समझ में नहीं आएगा। इसमें एक मरहला ऐसा आता है कि जिस कौम पर खुदा के पैगंबर की तरफ से हुज्जत पूरी हो जाती है, यानी आखिरी दर्जे में हक वाज़े हो जाता है, उससे फिर मानने वालों को अजाब से पहले ताल्लुकात तोड़ने के लिए कहा जाता है। यानी जब आखिरी फैसला सादिर होता है तो फिर कहा जाता है कि अब इनसे सब ताल्लुकात ख़त्म करके अलग कर लीजिए। ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत होती है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ये मामला हुआ तो मानने वालों से कहा गया कि अब आप अलग होकर एक कश्ती में आ जाए, क्योंकि खुदा अपना फैसला सुनाने वाला है। ये जो कश्ती में आने का अमल है, इसमें पहले ताल्लुकात तोड़े जाते हैं। ये मालूम है कि कुरान ने बयान किया है कि नूह का बेटा जब उनके सामने आया, उन्होंने कहा कि इस कश्ती में आ जाओ, तो अल्लाह ताला ने फौरन टोक दिया और ये कहा कि नहीं, अब इसके साथ आपका कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तो ये वो मौका है जिसमें कुरान कहता है कि अब इन यहूदियों से, अब इन मसीहियों से, अब इन मुशरिकीन से ताल्लुकात ख़त्म कर दो। इनसे यानी वो जिनके लिए अब क़यामत बरपा होने वाली है, जिनके लिए वो अज़ाब आने वाला है। लोग चूंकि इस सारी बात को नहीं समझते तो वो उस आयत को अलग करते हैं और उसको पूरी दुनिया के मसीही और यहूदियों के बारे में बयान करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में जितनी कौमें बसती हैं उन सब के साथ हमारा पहला ताल्लुक इंसानियत का है, वो सब आदम और हव्वा के बेटे हैं, इस लिहाज से हमारे भाई हैं। फिर जिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जैसे अमरीका में, बरतानिया में, कहीं और, वहाँ आप अगर शहरियत हासिल करते हैं तो आप एक कौम का हिस्सा बनते हैं और कौमी एहसास और जज्बात में आप एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। और अगर हमारा कोई मामला उनके साथ मज़हब की बुनियाद पर है तो वो सिर्फ ये है कि हमारे पास एक मैसेज है, एक पैगाम है, हम दलील के साथ, शाइस्तगी के साथ, तहजीब के साथ वो पैगाम उनको पहुंचाएंगे। किसी के साथ न किसी दुश्मनी का कोई सवाल है, न किसी के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का सवाल है। कुरान मजीद ने मदीने में और मक्के में जो रसूलुल्लाह के मुखातबीन हैं उनको एक मरहले पर जब अजाब का फैसला हो गया तो मुसलमानों से ये तकाजा किया है कि अब ताल्लुकात ख़त्म करके अलग हो जाइए, क्योंकि इन पर अब खुदा की सज़ा नाफिज होने वाली है। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।